हाय गाइस, तो जैसे मैंने कल के मिनी व्लॉग में आप सबको बताया था कि मैं व्लॉग कल का कंटिन्यू करूंगी आज, जो कि मैं शादी में गई थी, आप सबने देखा ही था। तो शादी किसकी थी? शादी थी, ये है मेरी फ्रेंड श्रुति, मेरी कॉलेज फ्रेंड है ये, इसकी दीदी की शादी थी, यानी राशि दी की शादी थी। हम सारे फ्रेंड सर्कल फ्रेंड्स ग्रुप गए थे दी की शादी में। तो ये आप देख सकते हो श्रुति के साथ फोटो, ये अंशिका और ये पूरा जो ग्रुप है, मीन्स अभी पूरा ग्रुप नहीं है, इसमें कुछ ही लोग थे। और ये मैं अपने आप को दिखाते हुए, क्योंकि ये तो मस्ट है, और अंशिका की एंट्री हुई थी तो भाई वीडियो तो बनती है। तो फिर सबसे मिलना जुलना हुआ, फर्स्ट टाइम मैं किसी फ्रेंड के घर के शादी में जा पाई हूँ। इसका एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल का होता है, आप सब जानते ही हो। और अब निकल रहे हैं भोजन पर, जो कि फेवरेट काम है। और मेन भी भाई, यहाँ पर भैया की तो वाट लग चुकी थी, आप सब देख सकते हो। मैंने भी अपना हाथ घुसा दिया है कि भाई मुझे भी दो, भैया का तो हाथ ही जल गया था। और सबसे ज़्यादा मज़ा यहीं पर आया था, बट लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं कुछ लेने गई हूँ और बिना लिए थक कर वापस आ गए कि भाई अब नहीं मिल रहा, अब नहीं लेना है। तो सचमुच थक गए थे। तो अंशिका की प्लेट से खा लिया थोड़ा डोसा, उसके बाद सारे नाश्ते इंजॉय किए। और ये सारे फ्रेंड्स यहाँ पर खड़े होकर खाना खा रहे हैं, और वो मैं दूर से, और अंशिका ने मुझे कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद हम दोनों ही अकेले इंतज़ार कर रहे हैं बारात का, क्योंकि बारात आ चुकी है भाई। बैंड बाजा बारात, किसे देखने में मज़ा नहीं आता है, किसे। और सीरियसली गाइस, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था यार सीरियसली घुस जाऊँ और बीच में नाचना स्टार्ट कर दूँ। ये रहे ड्रोन चचा, ये तो मस्त ही हैं, इनके बिना हर शादी अधूरी होती है। और फिर अंशिका का फेवरेट पाव भाजी खाने के लिए हम लोग जाते हैं, जो कि भाजी लेना मैं भूल जाती हूँ, फिर मुझे याद आता है मुझे भाजी भी तो लेनी थी, मैं कैसे खाऊंगी। फिर आ जाते हैं भाई पनीर टिक्का और स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे लास्ट में दिखा। और कॉफ़ी तो मस्त है, और अब आप देखोगे कि कॉफ़ी हम लोग इतने स्टाइल से पी रहे हैं जैसे लग रहा है। आज का मेरा फेवरेट पार्ट ये नहीं, ये रहा। मैंने एक प्यारी सी चीज़ देखी कि बच्चे ने और उनके पापा ने प्यारी सी ड्रेस विनिंग की थी, और उसके बाद किसी ने मुझे भी ये कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नान वाले भैया थोड़ी देर के लिए गायब हुए थे, और मैंने ये आपातकालीन कॉल कर दी। हेलो श्रुति, नान वाले भैया गायब है यार, कहाँ हो? तो गाइस, आपातकालीन कॉल के बाद ये मिनी व्लॉग होने वाला है यहीं पर खत्म। घर जाकर एंजॉय की आइसक्रीम। और हाँ, रिमाइंड करा देती हूँ कि कल से फनी वीडियोस आने वाली हैं, सो डोंट मिस आउट।